जयंती समारोह के दिन बेतिया जिलाधिकारी ने दिया ऐतिहासिक सम्मान। समाहरणालय के मुख्य द्वार पर लगे बाबा साहब की मूर्ति वाले क्षेत्र का किया गया सौंदर्यीकरण। बेतिया समाहरणालय का हुआ आकर्षक रूप। डीआईजी व जिलाधिकारी सहित जिले के तमाम अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने बाबा साहब की जयंती पर पुष्प अर्पित किया। News 9 Times बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया मुख्यालय स्थित समाहरणालय के मुख्य द्वार के पास बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कई वर्षों से स्थापित रही है। सभी ऋतुओं की दंश झेलता बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ साफ सफाई तक ही पूर्व के जिलाधिकारी के कार्यकाल में सीमित रही, परंतु वर्तमान जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने देश को संविधान जैसे अमूल्य कानून प्रदान करने वाले बाबा साहब के जयंती पर देश के लिए एक अनुकरणीय सम्मान दिया है, जिसके लिए बाबा साहब को मानने और चाहने वालों में न सिर्फ खुशी है बल्कि जिलाधिकारी कुंदन कुमार को विशेष धन्यवाद दिया है। कुछ सप्ताह भर से समाहरणालय के द्वार पर चल रहे सौंदर्यीकरण का कार्य सिर्फ सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं, अपितु बाबा साहब की जयंती पर उन्हें सम्मान देने का कार्य जिलाधिकारी के स्तर से किया गया है। मूर्ति के ऊपर सुंदर व आकर्षक शेड और स्टील पाइप व शीशा के घेरे में बाबा साहब की मूर्ति जो बरसों से खुले आसमान के नीचे हुआ करती थी, वो अब जीवंत रूप में प्रतीत होने लगी है। बाबा साहब की मूर्ति के नीचे आई लव पश्चिम चंपारण लिखा हुआ समाहरणालय के साथ बेतिया की भी खूबसूरती बताता नजर आ रहा है। आज जब बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रहा है देश, जहां देश के संविधान और उसके निर्माता पर अपनी आस्था व श्रद्धा रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि के साथ गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, उसी जयंती के अवसर पर समाहरणालय द्वार पर नवनिर्मित सौंदर्यीकरण किए गए बाबा साहब की मूर्ति पर चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण व जिलाधिकारी कुंदन कुमार के द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। मौके पर डीडीसी अनिल कुमार, एडीएम नंद किशोर साह, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीपीओ सदर मुकुल परिमल पांडे, बेतिया राज मैनेजर विनोद सिंह के साथ जिले के तमाम अधिकारियों ने बाबा साहब को स्मरित कर उनको पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान अधिकारियों के साथ शहर के कई गणमान्य ने भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के बनाए गए संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कड़ी धूप के बीच घंटों चले इस कार्यक्रम की भीड़ और उसके उत्साह देखते बन रही थी। इस कार्यक्रम का संचालन वायुसेना के भूतपूर्व मिसाइल इंजीनियर विजय कश्यप के द्वारा किया गया, जिसके आह्वान पर बाबा साहब के लिए नारेबाजी भी की गई और बाबा साहब देश को समता प्रदान करने वाले एक महापुरुष के रूप में सदा स्मरण किए जाने की बात कही गई। News 9 Times